नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज पाटिल, फाउंडर एंड सीईओ arowallet.com। आज के इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर एटीएम बूथ के बारे में। दोस्तों, जब भी हम आरओ वाटर सप्लाई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास बड़ी समस्या होती है कि इसके सेटअप के लिए आपके पास जगह नहीं होती है, लेकिन आप तो चाहते हो कि हमें वाटर एटीएम बिजनेस स्टार्ट करना है। तो छोटे जगह में अगर आपको वाटर एटीएम बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसके लिए हमारा ये नया इन्वेंशन आपको बहुत काम आएगा। हमने बनाया है ये हमारा नया वाटर एटीएम बूथ। अभी इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसके सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो अब इसके हम स्पेयर की जानकारी लेते हैं। इसमें देखो, अभी यहाँ पे लगाया हमने वाटर कंट्रोलर, मतलब जो अपना एटीएम रहता है ना उसका कंट्रोलर यहाँ पे रखा है। हम जब इसमें क्वाइन इंसर्ट करते हैं ना तो उसको यहाँ से इंसर्ट करना होगा और नीचे से पानी आएगा, ठीक है। अभी इसका इंटीरियर हम देखते हैं। अभी इसको यहाँ लगा है रॉ वाटर पंप, यहाँ से आगे जाएगा पानी। अपना ड्यूल मीडिया फिल्टर है जिसमें सैंड होता है, कार्बन होता है, मतलब सैंड में अपना पानी का हार्डनेस कम होगा, कार्बन में पानी को जो गंदा स्मेल आता है वो कम होगा। वहाँ से जाएगा सीधा अपना पानी, यहाँ देखो कार्टेज फिल्टर को, इसको हम पीछे से देखते। ये देखिए, ये कार्टेज फिल्टर, इसमें जो विजिबल पर्टिकुलर रहते हैं जैसे सैंड हो गया, डस्ट हो गया, तो यहाँ से उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ से पानी जाता है अपने रॉ वाटर पंप को, इस साइड से हमको देखना पड़ेगा इसके लिए। ये देखिए, यहाँ है हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप से पानी जाता है अपने आरओ मेम्ब्रेन में। आरओ मेम्ब्रेन में पानी फिल्टर होके जाता है ऊपर स्टोरेज टैंक, यहाँ ऊपर स्टोरेज टैंक लगाया है। इस स्टोरेज टैंक में हमारा पानी पूरा स्टोर होता है और वहाँ से कनेक्शन दिया है हमने ए वाटर एटीएम को, और यहाँ से पानी डिस्पेंस होगा। नीचे यहाँ एक कनेक्शन देंगे और यहाँ से पानी डिस्पेंस होगा, वहाँ अपने जार में कस्टमर पानी भर के लेके जा सकते हैं। ये ऐसा पूरा मशीन है। अभी इसमें इंटीरियर में देखने जाए तो यहाँ पे दो प्रेशर गेज लगाए हुए हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा वेस्टेज में कितना पानी जा रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा फिल्टर वाटर कितना जा रहा है। ये आरओ के लिए कंट्रोल पैनल है, ये वाटर एटीएम के लिए कंट्रोल पैनल है। यहाँ है अपना क्वाइन एक्सेप्टर, यहाँ हम क्वाइन डाल सकते हैं और जो क्वाइन कलेक्ट होते हैं ये इस पेटी में हम कलेक्ट कर सकते हैं। देखो, यहाँ से आगे से ही हम उसको निकाल सकते हैं और इसको लॉक सिस्टम भी किया है, इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वाटर एटीएम के बारे में या फिर वाटर एटीएम बूथ है उसके बारे में मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। अगर आपको इसके अलावा और कुछ क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो हमारे ऑफिस पे कॉल कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाके आप कंसल्टेशन स्लॉट बुक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जिसको ज़रूरत है उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। दिस इज शिवराज पाटिल साइनिंग ऑफ।